एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद मनारा चोपड़ा की कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं और वहीं मनारा चोपड़ा जो कि बिग बॉस के घर के अंदर जब थी तो प्रियंका चोपड़ा ने भर भर कर सपोर्ट किया था, अब अपनी बहन प्रियंका के बारे में वो बात करती हुई भी नजर आई। जी हाँ, मनारा चोपड़ा ने बताया कि कैसे बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद मनारा ने अपनी दीदी प्रियंका चोपड़ा से बात की। 2 घंटे तक ये चर्चा हुई और इन 2 घंटों में प्रियंका ने भर भर कर अपनी बहन पर प्यार लुटाया है। इतना ही नहीं, आखिर प्रियंका ने क्या कुछ कहा है, क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे वो गिफ्ट्स के बारे में बात कर रही हैं, देखिए ये रिपोर्ट। मनारा चोपड़ा जब बिग बॉस 17 में थी तो प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर उनका भर के सपोर्ट किया था। घर से निकलने के बाद मनारा ने बताया कि शो खत्म होते ही उनकी और प्रियंका की बात हुई है। मनारा ने बताया कि प्रियंका और निक जीजू से उन्होंने 2 घंटे तक बात की, कई सारी टिप्स प्रियंका ने मनारा को दिए। इतना ही नहीं, मनारा ने गिफ्ट का भी खुलासा किया और बताया कि प्रियंका ने उन्हें आखिर गिफ्ट के तौर पर क्या कुछ ऑफर किया है। मनारा का वीडियो वायरल हो रहा है और अब इस वीडियो को लेकर के कुछ दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। दरअसल मनारा चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की ट्यूनिंग तब देखी गई जब सोशल मीडिया पर प्रियंका ने जमकर मनारा का सपोर्ट किया। बता दें ये दोनों कजन बहनें हैं। प्रियंका चोपड़ा मनारा के लिए मिमी दीदी हैं। मनारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बिग बॉस 17 के घर से बाहर निकलने के बाद प्रियंका और निक से क्या बात हुई है, इसके बारे में मनारा बताती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान मनारा चोपड़ा ने बताया कि उनकी 2 घंटे तक प्रियंका से बात हुई और वो बता रही थी कि मुझे तुम्हारी ही ट्रेंडिंग्स आ रही है, मैंने तुम्हारी जर्नी देखी। साथ ही ये शो अमेरिका में क्योंकि टेलीकास्ट नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जो प्रियंका के हाथ लगी और मनारा ने इस बारे में कहा कि वो इतने सारे वीडियोस देख चुकी हैं जिससे ये पता चलता है कि आखिर उनकी जर्नी कैसी लगी। इतना ही नहीं, प्रियंका ने मनारा के गले पर भी बात की और कहा कि तू अपना पहले गला ठीक कर, क्योंकि हम वहाँ पर इतनी बातें करते हैं। वे मुझे कई अच्छे अच्छे टिप्स दे रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने फैमिली के नाम पर गेम नहीं खेला। और साथ ही प्रियंका ने मनारा को कहा कि तुमने सिर्फ अपने बारे में बात की और ये काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही मनारा कहती हैं कि मुझे जब फैमिली के बारे में बात करने के लिए कहा जा रहा था, फैमिली के ऊपर मेरी बात हो रही थी तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। बताते चले मनारा ने आखिर क्या कुछ अपनी बहन प्रियंका से मांगा है। मनारा ने आगे कहा कि वो मुझसे पूछ रही थी कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, हम तेरे लिए कैश भेज रहे हैं। इस पर मनारा कहती हैं कि मुझे कैश नहीं बल्कि 10 ड्रेसेस चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, इतने सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, मुझे बस इवेंट्स के लिए इंटरव्यूज के लिए कपड़े चाहिए। और ऐसे में प्रियंका ने कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं और हम तुम्हारे लिए कपड़े भेज रहे हैं। हालांकि मनारा चोपड़ा ने जो कुछ भी प्रियंका के बारे में बताया कि प्रियंका और उनकी 2 घंटे तक बात हुई है, कई लोगों को मनारा का ये दावा झूठा लग रहा है और कई लोगों ने तो मनारा की इस ओवर एक्टिंग की जबरदस्त ट्रोलिंग भी की है। पहले प्रियंका की बात करें तो इन दिनों अपने घर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। बीते दिन ये रिपोर्ट सामने आई थी कि प्रियंका का घर गिरवी रखा गया है और पैसों की किल्लत की वजह से अब ये अपने घर का किराया नहीं दे पा रही है। लेकिन असल वजह जो सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जिस घर में रहती थी वो तकरीबन 160 करोड़ रुपए का था और जिस शख्स से उन्होंने घर खरीदा था उन्होंने उनके साथ धोखा किया। घर में काफ़ी दिक्कत आ रही थी सीलन की वजह से और कुछ मरम्मत की वजह से उस घर को खाली करना पड़ा। और घर को खाली करने की वजह से जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं सामने आई कि गिरवी रखा गया है घर क्योंकि प्रियंका घर का किराया नहीं दे पा रही हैं, तो रिपोर्ट ये असल मायने में निकल के आई कि दरअसल प्रियंका ने अपने घर को खरीदा था और उस खरीदे हुए घर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, इस वजह से उसे खाली करना पड़ा। तो जो
रेडिट का जो पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि गिरवी रखा गया है घर, वो पूरी तरीके से झूठा निकला। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।